तहसील विधिक सेवा समिति कसरावत की ओर से ग्राम पंचायत सहायता के साली वाहन में महिला सशक्तिकरण को लेकर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष विवेक जैन साहब द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि महिला सशक्तिकरण तभी है जब महिलाएं इसकी शुरुआत अपने परिवार से करें, अपने पुत्रों को सही संस्कार सिखाएं, महिलाओं का आदर करना सिखाएं, पति द्वारा अनैतिक अवैध तरीके से कमाए पैसों को स्वीकार न करें। यदि महिलाएं अनैतिक कमाई के पैसे से परिवार चलाने से इनकार कर दें तो समाज में भ्रष्टाचार नहीं होगा। वहीं न्यायाधीश राकेश भिड़े द्वारा महिला अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलंटियर अकील खान, कीर्ति केवट, अभिभाषक कुणाल दुबे, अभिभाषक जितेंद्र पटेल, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी आवासे ने भी महिला सशक्तिकरण पर अपने उद्बोधन दिया। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। तो उससे उत्पन्न होने वाले पुरुष कैसे सशक्त हो सकते हैं? तो आप लोग सशक्त हैं, लेकिन आवश्यकता है अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानने की। आपके अधिकारों के विषय में काफी कुछ बोला जा चुका है, काफी कुछ बताया जा चुका है। इसके अलावा भी समय समय पर आपके अधिकारों के बारे में, आपके प्रति कानूनों के बारे में आपको जानकारी दी जाती रही है। तो क्यों ना आज थोड़ा सा कर्तव्यों के बारे में भी बात कर ली जाए। जैसे कि मंच से बार बार बोला गया और सशक्त महिलाओं के उदाहरण दिए गए कि हमारी राष्ट्रपति जी एक महिला हैं, इंदिरा गांधी जी के रूप में हमने महिला प्रधानमंत्री भी देखी, कल्पना चावला का आपको एग्जांपल दिया गया, मैरी कॉम का एग्जांपल दिया गया, और हमारी बहन कीर्ति केवट एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हर कोई उनके स्पीच होंगे, उनको हम सुनेंगे, श्रोता कौन होंगे, इसको लेकर भी हमारे बीच में चिंतन हुआ। और अंततः चूंकि दशहरा और दीपावली का त्यौहार होने के कारण मुझे लगता है कि हम उस स्तर की तैयारी नहीं कर पाए। आदरणीय सम्माननीय मंच हमारे बीच मौजूद है हमारे तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन साहब, राकेश भिड़े साहब। सम्मान्य मंच, आज ये जो कार्यक्रम है वो महिला सशक्तिकरण के अलावा तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से भी आयोजित किया गया है और उसी की तरफ से मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो आज जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी स्थापना दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही बताना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है तो हमारा देश जो है वो शुरू से ही महिला को शक्ति के रूप में पूछता आया है और शायद विश्व में पहला देश होगा जहाँ पर नारी को शक्ति के रूप में माना गया है या पूजा गया है। तो और आज उदाहरण है कि अगर हमारे देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो भी महिला ही है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो महिलाओं के लिए कोई यहाँ पर सम्मान में कोई कमी नहीं है, हर बार महिलाओं का सम्मान या पूजा की गई है। लेकिन जिस बात को देखा गया है कि जहाँ हम अपने अधिकारों के प्रति पीछे रह जाते हैं वो मूल सिद्धांत होता है शिक्षा का। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी और हम प्रताड़ित या पीड़ित हो जाएंगे। तहसील विधिक सेवा समिति भी आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देती है कि महिलाओं के किस तरीके से अधिकार होते हैं। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े वक्ता मौजूद हैं, कानून के जानकार मौजूद हैं, इसलिए मैं आपके बीच में ज़्यादा अवरोध नहीं हुआ पैदा करते हुए बताऊँगा कि आज हमारे बीच में जो अधिवक्ता और न्यायाधीश मौजूद है वो आपको महिलाओं के अधिकार के बारे में बारीकी से बताएंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, धन्यवाद। सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि मेरा तो हर जगह सम्मानित किया जाता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया के बाहर, इंडिया में, पर गाँव में मुझे पहली बार मतलब इतना सब कुछ मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे ही गाँव में मेरे मतलब परिवार के सामने मुझे सम्मानित किया जाए। तो ये बाहर तो होती रहती हूँ और बाकी मेरा कोई होता नहीं वहाँ पे अपना, लेकिन यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे गांव के सभी है। तो मैं शर्मा सर को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना समझा और किया। मैं चाहती हूँ कि आगे भी छोटे मोटे प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाए। मैं और होप रखती हूँ कि मुझे प्लीज़ छोटे मोटे ही प्रोग्राम में बुलाया जाए। बड़े बड़े तो मैं सीएम वगैरह के साथ मिलती रहती हूँ, मेरी मीटिंग्स होती रहती है, पर मैं छोटे मोटे में होने में ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच। और रही बात मेरे स्ट्रगल की तो बहुत लंबी कहानी है। मैं भी छोटे से गांव से थी, कैसे कैसे मैंने स्विमिंग करी, सर की क्लास स्कूल्स में ही मैंने पढ़ाई करी,
तो मैं स्विमिंग करती थी पहले नर्मदा के घाट पे, नारियल वारियल पकड़ती थी, सीधी बात है ये सभी जानते ही है। तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी। तो मेरा एक था कि नहीं मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझसे स्टडी नहीं होगी, तो मैंने सोचा कि कुछ और अलग करूं, अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा, थोड़े बहुत पहचानेंगे, बाद में घर वाले मेरी शादी कर देंगे। तो मैंने कहा मुझे एक ऐसा नाम करना है, कुछ ऐसा अचीव करना है कि मुझे सब लोग पहचाने। सबसे पहली बात, मैं आज गूगल पर देखो तो मेरा पूरा गूगल पे डाटा आ जाता है, कीर्ति केवट के नाम से गांव का नाम आ जाता है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और रही बात स्ट्रगल की, तो हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है। आने वाले टाइम में योजनाएं चला रही है उसके बारे में बताऊंगी, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, महिला हेल्पलाइन है 1090, उसमें अगर किसी महिला को कोई परेशानी है, किसी के साथ कोई प्रताड़ना हो रही है, कोई घटना हो रही है, कोई हिंसा हो रही है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।